दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक। भूमिका: विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को उपहार के रूप में दी जाने वाली भेंट को दहेज कहते हैं। यह प्रथा बहुत प्राचीन है, किंतु आज यह एक बुराई बन चुकी है, परंतु मूल रूप में यह बुराई नहीं है। बुराई: आखिर दहेज को हम बुरा कैसे कह सकते हैं? विवाह के समय प्रेम का उपहार देना बुरा कैसे है? क्या एक पिता अपनी कन्या को खाली हाथ विदा कर दे? अपनी प्यारी बेटी के लिए धन सामान आदि देना प्रेम का प्रतीक है, परंतु यह भेंट वर्ष दी जानी चाहिए। दहेज अपनी इच्छा व सामर्थ्य अनुसार ही दिया जाना चाहिए, मजबूरी में या मांगे जाने पर नहीं। परंतु दुर्भाग्य से आजकल दहेज की जबरदस्ती मांग की जाती है, दूल्हों के भाव लगते हैं। बुराई की हद यहाँ तक बढ़ गई है कि जितना दूल्हा शिक्षित हो, समझदार हो, उसका उतना ही अधिक भाव होता है। कुछ लोग तो इतने क्रूर होते हैं कि दहेज की मांग पूरी ना होने पर वे लड़की की हत्या तक करने से नहीं चूकते। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। संदेश: अतः आज के युवाओं को अपनी सोच बदलनी होगी। उन्हें लड़के की भावनाओं को समझना होगा, लड़की का सम्मान करना होगा और लड़की वालों को भी अपनी लड़की को अधिक से अधिक पढ़ाकर अपने पांव पर खड़ा करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को दहेज न लेने और दहेज न देने की कसम खानी होगी।